और अब कुछ खबरें हैं तिजारती दुनिया से। क्वेटा में एलपीजी की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। क्वेटा में रमजान मुबारक के दौरान शहरियों को गैस तो मुयसर है ही नहीं, मुतबादल जरिए के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 2.5 किलो के सिलेंडर की कीमत में 600 जबकि 5 किलो का सिलेंडर 1200 रुपये महंगा कर दिया गया। महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 2.5 किलो सिलेंडर की कीमत 1300 रुपये से 1900 जबकि 5 किलो सिलेंडर की कीमत 1600 से 2800 रुपए तक पहुंच गई है। एलपीजी की कीमत में फी किलो 240 रुपए इजाफे ने महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुल्क भर में 1000 सीसीसी से कम पावर की गाड़ियों की फरोख्त में 8 माह में 39% कमी रिकॉर्ड की गई। आल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक की मुद्दत में 1000 सीसीसी से कम पावर की 31,285 यूनिट्स कारों की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 39% कम है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब की निगरान काबीना ने सूबे में 29 मार्च से फी खानदान को बयक्त वक्त 20 किलो मुफ्त आटे की फरामी की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर में मुफ्त आटे की फरामी और मुफ्त आटा रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में निगरान सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई, जो कि रजिस्ट्रेशन पर सिफारिशात पेश करेगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि अब तक तकरीबन 70 लाख से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं, जिस पर काबीना ने मुफ्त आटे की फरामी के अमल पर इत्मीनान का इजहार भी किया। ब्रीफिंग में मजीद बताया कि शायद ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए चेकिंग की हदायत भी दी गई है।